डियरूडेंट्स आई वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द टॉपिक इन थ्योरी ऑफ मशीन हम लोगों ने जो है लेक्चर नंबर फिफ्टी नाइन में वेरियस फ्रिक्शनल डिवाइसेस पढ़े थे और उस फ्रिक्शनल डिवाइस में एक हमारा कॉन्सेप्ट आया था कोलार बियरिंग एंड पाइवट वियरिंग तो ये फ्लैट पाइवट वियरिंग अब बियरिंग जब हम लोग देखे थे पाइवट बियरिंग तो पाइवेट बियरिंग के बहुत सारे जो है जो है, जो है हम लोगों ने देखा था टाइप्स जिसमें कि इंपॉर्टेंट जो है आपका ये फ्लैट पाइवोट बियरिंग था ये आपका फ्लैट पाइवोट बियरिंग है और उसी तरह से आपका कोनिकल बियरिंग था यही आपका बियरिंग कोनिकल बियरिंग हो जाएगा ठीक है फिर ये आपका उसी तरह से ट्रंकेटेड बियरिंग सिंगल फ्लैट कोलार बियरिंग एंड मल्टीपल फ्लैट बियरिंग ये हम लोगों ने देखा था तो इस बियरिंग के ही कॉन्सेप्ट में जो है हमने ये पूरा डिस्कस किया था कि व्हाट इज बेसिकली फ्लैट पाइवोट बियरिंग तो द बियरिंग सरफेस जो है ये जो बियरिंग सरफेस आप देख रहे हैं दैट इज द बेसिकली बियरिंग सरफेस व्हेन द बियरिंग सरफेस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ शाफ्ट टू टेक द एक्सियल थ्रस्ट इज बेसिकली नॉन एज पाइवर्ट्स एंड पाइवट मे हैव फ्लैट कॉनिकल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना द कॉलर मे हैव फ्लैट बियरिंग सर्फेस और कॉनिकल बियरिंग सर्फेस बट द फ्लैट सर्फिस इज मोस्ट कॉमनली यूज एंड सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द फ्लैट पाइवट बियरिंग अब इसमें भी हमने दो कॉन्सेप्ट देखा था एक आपका यूनिफॉर्म प्रेशर का और दूसरा यूनिफॉर्म वियर का ठीक है तो अब आइए हम इसके ऊपर जो है डिस्कसन स्टार्ट करें उसके पहले आपको बताएं कि दिस इज दी वर्टिकल साफ्ट दैट इज दी दियरिंग ए लोड ऑफ डब्लू ये डब्लू जो है लोड लग रहा है दैट इज दी फ्रंट व्यू दैट इज दी टॉप व्यू और ये जो है आपका रेडियस जो है रेडियस आप मान लीजिए क्या है आर दिस इज दी कैपिटल आर कैपिटल आर एंड दी एलिमेंटल रिंग ये जो है ना हमने इसमें एक एलिमेंटल रिंग लिया है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन एंड इट्स रेडियस इज स्मॉल आर तो वेन दर्टिकल साफ्ट रोटेट इन ए फ्लैट पाइबोट बियरिंग इज नॉन एज बेसिकली फूट स्टेप बियरिंग इसी को जो है हम लोग फूट स्टेप बियरिंग भी बोलते हैं ध्यान दीजिएगा फूट स्टेप बियरिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी अलॉन्ग दी सरफेस कॉन्टैक्ट बिट्वीन द साफ्ट बिटवीन द साफ्ट दिस इज दॉ एंड दिस इज दियरिंग ओके okay, अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिए ये लोड जो है आपका डब्लू हो गया ठीक है ना आर इज द रेडियस ऑफ बियरिंग सरफेस ये जो यहां से लेकर के यहां तक आप देख रहे हैं दैट इज दियरिंग सरफेस एरिया एंड लेट पी इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यहां पे पी क्या है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पर यूनिट एरिया ये ध्यान रखिएगा बिटवीन द बियरिंग सरफेस एंड रबिंग सरफेस म्यू इज दी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक है ना हमें लिखने की शायद ज़रूरत न पड़ेगी अब यहाँ पे दो कंडीशन हमने जो है फ्रिक्शनल डिवाइस जो आपका ये तो लेक्चर नंबर हमारा जो है सिक्सटी सिक्स है ये अभी प्रजेंट लेक्चर नंबर लेकिन फिफ्टी नाइन जो है फ्रिक्शनल डिवाइसेस का था जिसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था दोस्तों तो उसमें हमने आपको दो कंडीशन बताए थे क्या पहला कंडीशन यूनिफॉर्म प्रेशर का और दूसरा कंडीशन क्या है यूनिफॉर्म वियर का तो आइए सबसे पहला हम जो कंसीडरेशन लेंगे वह जो है यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म प्रेशर का तो पहला कंडीशन जो है केस वन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म प्रेशर यूनिफॉर्म प्रेशर का हम कंडीशन ले रहे हैं तो यूनिफॉर्म प्रेशर यदि है ठीक है ना और W लोड है तो ये जो बियरिंग एरिया है दैट इज दी पाई आर स्क्वायर इसका जो एरिया होगा ये सर्कुलर यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी पी एक कितना हो जाएगा ये लोड डब्लू अपन पाई आर स्क्वायर ये आपका क्वेश्चन हो गया अब ना अब जो एलिमेंटल रिंग हमने लिया है एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग एज्यूमिंग द एज्यूमिंग द प्रेशर इज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग क्या हो जाएगा आपका ये ए मान लीजिए तो क्या हो जाएगा टू पाई आर इंटू डी आर टू पाई आर दैट मीन्स की ए, एक रिंग है ठीक है इसको इस तरह समझिएगा ये आपका रिंग है तो इसका रेडियस कितना था आर तो इसका जो है सरकमफ्रेंस इसको कहीं से भी कट करेंगे यहाँ से कट करके और इसको इलोंगेट कर दीजिए जब इलोंगेट करेंगे दोस्त तो इस तरह से कुछ निकल करके आएगा इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर इसका लेंथ आ जाएगा कितना टू पाई आर और थिकनेस कितना है डी आर यही थिकनेस है आपका डी आर तो इसका एरिया क्या हो जाएगा टू पाई आर इंटू डी आर ठीक है तो ये एलिमेंटल का रिंग कितना हो जाएगा टू पाई आर डी आर तो अब लोड ट्रांसमिटेड कितना होगा लोड ट्रांसमिटेड लोड ट्रांसमिटेड टू एलिमेंटल रिंग कितना हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया तो प्रेशर इनटू टू पाई आर डी आर आपका क्या हो जाएगा लोड ट्रांसमिटेड देन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नाउ हो दे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्योंकि यहां पे क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ठीक है ना तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना होगा देखिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दैट विल एक्ट टेंजेंशियली एट रेडियस आर जो एलिमेंटल रिंग हमने लिया है तो क्या हो जाएगा एफ आर तो दैट मीन्स कि यही लोड इंटू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तो म्यू इंटू डेल्टा डब्लू हो गया तो यह क्या हो जाएगा आपका म्यू और ये क्या हो जाएगा इंटू पी टू पाई आर डी आर हो गया ठीक है ये क्या निकल गया आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ठीक है ना तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यदि आपने ये निकाल लिया तो क्या होगा फ्रिक्शनल टॉर्क भी आप निकाल सकते हैं और टॉर्क क्या होता है लोड इनटू डिस्टेंस बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं तो फ्रिक्शनल टॉर्क जो है इसको हम थोड़ा टाउ आर लिख सकते हैं ठीक है तो दैट विल बी एफ आर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन डिस्टेंस कितना है यही आर ये आर डिस्टेंस हो गया तो ये आपका टॉर्क आर जो है ये एफ आर कितना है देखिए यहाँ पे म्यू पी टू पाई ये आर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट आर स्क्वायर कर दें आर स्क्वायर इंटू डी आर कर सकते हैं अब यहाँ पे रेडियस क्या है कैपिटल आर तक गया है ये जो रेडियस है आपका कितना है कैपिटल आर तो अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन मान लीजिए इसको इक्वेशन वन मान लीजिए तो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन फ्रॉम जीरो टू आर तो ये टाउ जो है निकलेगा ठीक है ना फ्रिक्शनल टॉर्क इक्वल टू ये अब कांस्टेंट कौन कौन सा है म्यू कांस्टेंट है पाई कांस्टेंट है पी टू तो ये टू पाई म्यू पी इधर आ गया और ये क्या बच्चा आर स्क्वायर डी आर जीरो से आर तक आप इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देंगे ठीक है ना अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा ये आप इंटीग्रेट कर दिए तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा टू पाई म्यू पी और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर क्यू बाई थ्री जीरो टू आर ठीक है इसका आर क्यू तो ये क्या आ जाएगा टू पाई म्यू P और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर क्यू बाई थ्री ठीक है जाएगा तो यहां पे आप निकालेंगे जब तो टू बाई थ्री इधर आ गया पाई म्यू और पी का और आर क्यू और पी का वैल्यू ठीक है ना यहां पर ध्यान दीजिए कि क्या रखें हम पी यहाँ पे आप निकाले हैं प्रेशर इंटेंसिटी कितना निकाले हैं डब्लू अपन पाई आर स्क्वायर तो इसका वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे टू बाई थ्री पाई सॉरी यहीं पे रख दे हम ये ओमेगा अपन सॉरी डब्लू अपन पाई आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर से ही आर क्यू कटेगा पाई से पाई कटेगा तो क्या बचेगा टू बाई थ्री यहाँ बच जाएगा म्यू आर डब्लू दैट मीन्स कि यहाँ पे आप जब टॉर्क निकालेंगे है ना यहाँ पे फाइनल टॉर्क निकालेंगे तो क्या बचेगा टू बाई थ्री म्यू डब्लू और आर म्यू डब्लू आर दैट इज दी टॉर्क वाइल इनकेस ऑफ वाइल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर ठीक है ना तो जब यूनिफॉर्म प्रेशर होगा तो ये आपका टॉर्क लगेगा तो यूनिफॉर्म तो प्रेशर के कंडीशन में आपका टॉर्क कितना हो गया लीजिए यहाँ पर भी हम लिख देते हैं क्या हो जाएगा टू बाई थ्री म्यू डब्लू आर तो ये आपका टॉर्क हो गया इनकेस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर ठीक है और पावर का चूँकि इक्वेशन हमें चूँकि यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका फ्रिक्शनल डिवाइस दैट इज़ वन यूनिट ऑफ पावर ट्रांसमिशन की पावर जब ट्रांसमिशन तो उसमें हम पढ़े थे ये तो अब इसमें पावर निकालना होगा तो पावर क्या होता है टू पाई एन टी ओपन सिक्सटी यहाँ से एटी का वैल्यू रख देंगे तो ये आपका निकल जाएगा क्या पावर अब जो केस दूसरा है फर्स्ट केस था यूनिफॉर्म प्रेशर का और बताए थे कि सेकेंड केस किसका है आपका यूनिफॉर्म वियर का ठीक है ना कंसिडरिंग यूनिफॉर्म वियर ठीक है अब कंसिडरिंग यूनिफॉर्म वियर आप देखेंगे तो जैसे कि हम पिछले भी कई सारे वीडियो में और इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस चैनल पे जो है आपका अपना चैनल है तो सीक्वेंस में आप वीडियो देखें तो चीजों को आप इंटर रिलेट कर पाएंगे खुद से ठीक है ना खुद से आप बहुत कुछ समझ पाएंगे तो आइए इस यूनिफॉर्म वियर में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वियर जो है इसका जो आपका वियर है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड द वेलोसिटी ऑफ रबिंग सरफेस वेलोसिटी ऑफ द रबिंग सरफेस तो दैट वी टेक लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज भी तो यहाँ पर हम लोग जो भी लेते हैं तो ये एक्चुअली पाई डी एन अपॉन सिक्सटी आप निकाल सकते हैं कभी भी जहां भी जरूरत पड़ेगा आप निकाल सकते हैं पाई डी एन अपन सिक्सटी अब देखिए ये पाई डी एन अपन सिक्सटी आप निकाल सकते हैं इससे एंड इट हैज बीन एज्यूम दैट द रेट ऑफ वियर यहाँ मैं लिख भी देता हूं एक लाइन रेट ऑफ वियर इज प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल

p इंटू भी कॉन्स्टेंट हो गया और वेलोसिटी ऑफ रबिंग दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियस वेलोसिटी ऑफ रबिंग डिपेंड्स ऑन दैट मीन्स कि ये p इंटू भी क्या हो गया आपका कॉन्स्टेंट हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो यदि वेलोसिटी और प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है और p इंटू वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रेडियस दैट इज दी रबिंग वेलोसिटी बेसिकली ठीक ना तो यहाँ पे इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हम c लिख दें ठीक ना तो p इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया तो p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप c बाई आर लिख सकते हैं तो ये एक इक्वेशन आपका p इक्वल टू सी बाई आर हो गया अब नाउ टोटल लोड ट्रांसमिटेड जैसा कि यहां भी हम निकाले थे लोड ट्रांसमिटेड उसी तरह से अब यूनिफॉर्म वियर कंसिडर करके आप क्या निकालेंगे लोड ट्रांसमिटेड लोड ट्रांस मीटेड तो लोड ट्रांसमिटेड तो यही यह होता है डेल्टा W इक्वल टू पी इंटू एरिया आपका टू पाई आर डी आर एलिमेंटल रिंग के लिए हम निकाल रहे हैं सब कुछ जो भी यहाँ कर रहे हैं किसके लिए एलिमेंटल रिंग के लिए, लिए उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ P इक्वल टू सी वाई आर रख सकते हैं C वाई आर यह क्या हो गया टू पाई तो आर डी आर देखिए तो ये R और R कैंसिल हो गया तो क्या हो गया टू पाई सी आर डी आर ठीक है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका जो है ये टू पाई सी आर डी आर और ये क्या हो गया डेल्टा डब्लू ठीक है ना दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ठीक है ना और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं जीरो टू कैपिटल आर यही कर सकते हैं ना तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आ, टोटल लोड ट्रांसमिटेड टोटल लोड ट्रांसमिटेड ठीक है ना टोटल लोड ट्रांसमिटेड जब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू दैट मीन्स की डब्ल्यू इक्वल टू ये टू पाई तो अपने जगह पे बचेगा ये जीरो टू कैपिटल आर निकाल रहे हैं आप तो ये टू पाई सी और आर डी आर है ठीक है न सॉरी आर डी आर इसे तो आर आर कैंसिल हो गया है ना तो सिर्फ डी आर बचा होगा तो क्या बचा अब कैपिटल आर आ जाएगा सीधा ठीक है ना ध्यान दीजिए ये डी आर सो इंटीग्रेट करेंगे तो आर आएगा अब ये टू पाई सी आर अब यहाँ पे आप सी निकाल करके रख लीजिए डब्ल्यू इक्वल टू कितना बचा टू पाई आर क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा ये कांस्टेंट है कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया अब ये लोड ट्रांसमीटर निकाल लिए इसके पहले भी कई सारे जो वीडियो बताए सेम फार्मूला सेम कॉन्सेप्ट सेम सब कुछ जाएगा जैसा कि आप लोड निकाल लिए अब लोड निकालने के बाद क्या करना है अपने को फ्रिक्शनल टॉर्क निकाल लें ठीक है फ्रिक्शनल टॉर्क फ्रिक्शनल टॉर्क निकाल लिए हम ठीक है न फ्रिक्शनल uh, टॉर्क निकालेंगे या फ्रिक्शनल फोर्स आप चाहें तो निकाल लें फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्रिक्शनल uh, चलिए हम फोर्स निकाल के पहले बता देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स आप निकालेंगे तो एरिया दैट मीन्स के लोड इनटू टू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तो क्या हो जाएगा ये एफ आर इक्वल टू टू पाई पी आर डी आर टू पाई आर डी आर एरिया हो गया पी इंटेंसिटी और क्या हो जाएगा परसेंट ऑफ फ्रिक्शन अब यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क आप अब निकाल सकते हैं फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होता है एफ आर इंटू आर तो यहाँ पे टॉर्क निकालेंगे आप तो एफ़ आर का वैल्यू रखिए यहाँ पे तो टू पाई पी और आर हो जाएगा तो आर स्क्वायर ये म्यू इधर ले लीजिए आर स्क्वायर डी आर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए जीरो टू आर से ठीक है तो ये टोटल टॉर्क निकल जाएगा आपका टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क तो ये टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क जो आपका निकलेगा तो ये टू पाई ठीक ना और ये ध्यान दीजिए यहाँ पे आर डी आर था यहाँ पे ठीक ना अब यहाँ पे टू पाई पी टू पाई पी ये म्यू भी कांस्टेंट है और ये आर स्क्वायर डी आर है तो यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं पी इक्वल टू ध्यान दीजिए यहाँ पे सी बाई आर रखें पी इक्वल टू सी बाई आर यहाँ पर निकला है हमारा तो यहाँ पर सी बाई आर जो है यदि आप रखते हैं एक लाइन और यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यही आपका टू पाई और पी की जगह सी बाई आर इंटू म्यू इंटू आर स्क्वायर डी आर ये आर स्क्वायर से आर कट जाएगा ये ज़ीरो टू आर ही है अब ये टोटल टॉर्क जो आपका निकलेगा तो टू पाई सी म्यू और आर डी आर बचा आर डी आर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू तो ये टू और टू कैंसिल होगा या नहीं देखिए कैंसिल हो गया ये आपका टू और टू कैंसिल हो गया अब फिर से ये देखिए पाई बचा म्यू बचा आर स्क्वायर और सी तो ये पाई म्यू आर स्क्वायर और सी का वैल्यू यहाँ पे आप देखिए निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ लोड क्योंकि लोड तो रखना ही है हमको तो ये लोड अपन क्या हो गया टू पाई आर टू पाई आर तो देखिए ये तो यहाँ पे ये आपका पाई पाई कट गया टू बच जाएगा आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना तो क्या बचा टोटल टॉर्क यहाँ पे टॉर्क यहाँ पे बच जाएगा आपका हाफ ऑफ म्यू म्यू डब्ल्यू आर तो ये हुआ आपका टोटल टॉर्क कंसिडरिंग यूनिफॉर्म वियर ठीक है ना तो ये क्या था यूनिफॉर्म कंसिडरिंग यूनिफॉर्म वियर से जब हम निकाले थे फ्लैट क्या पाइवोट बियरिंग फ्लैट पाइवोट बियरिंग तो फ्लैट पाइवोट बियरिंग में आपका यूनिफॉर्म वियर के लिए हाफ म्यू डब्लू आर निकला था और यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए टू बाई थ्री म्यू डब्लू आर निकला था ठीक ना तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये यह जो निकला आपका ठीक ना ये यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए ये टू बाई थ्री म्यू डब्लू आर निकला था और इसी केस टू में जो है यूनिफॉर्म uh, वियर के लिए टॉर्क कितना निकला आपका हाफ म्यू डब्ल्यू आर ठीक है ना तो यही सिर्फ अंतर है ये यूनिफॉर्म वियर के लिए ठीक है तो दैट इज टू कंडीशन एंड बाई दैट यू कैन फाइंड टॉर्क और उसी तरह से टॉर्क निकल जाएगा तो आप पावर निकाल सकते हैं ठीक है टू पाई एन टी अपॉन सिक्सटी अब क्वेश्चन में जनरली दिया हुआ होता है किस मेथड से आपको जो है पावर निकालना है टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकाल सकते हैं दोनों मेथड से और तो बारी बारी से आप दोनों मेथड से निकाल करके आप जो है आंसर लिख सकते हैं तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द फ्लैट पाई वोट बियरिंग आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट पाई वोट बियरिंग एंड इट इज द कोर कॉन्सेप्ट है ना तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आ, लेंगे जो है आपका फ्लैट कोलार बियरिंग तो उसमें भी जो है कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज बींग यूज फॉर थ्रस्ट बियरिंग ऑल्सो तो इस तरह से ये फ्लैट पाइबोर्ड बियरिंग था इसी में कोनिकल बियरिंग भी होता है ठीक है ना तो कॉन्सेप्ट जो है लगभग सेम है दोनों में दैट यू कैन डराइव द इक्वेशन इन सिमिलर प्रोसेस तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग दिस सक्सीडेड वीडियो इसके बाद का जो भी वीडियो है आप देखें एंड दैट यू विल गेट ईच एंड एवरी इन प्रॉपर सिक्वेंस तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन